नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मैं हूं उमेश भारद्वाज और स्वागत करता हूं आप सभी का आज के मैथमेटिकल सेक्शन में। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, हम कवर कर रहे हैं टीएन कॉलेज की मैथमेटिक्स बुक का सॉल्यूशन। टीएन कॉलेज ऑफ कंपटीशन फॉर डीएसएसबी बहुत ही ऑथेंटिक इंस्टीट्यूट है डीएसएसबी के लिए, और उसी की मैथमेटिक्स बुक का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। करीब 37 वीडियोज़ ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर्स की मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ, काफ़ी चैप्टर्स कवर कर चुके हैं, सिर्फ दो या तीन चैप्टर रहते हैं। अगर अभी तक आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो देखिएगा, बहुत ही शानदार सॉल्यूशंस आपके लिए हैं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। और अगर वीडियोस पसंद आएँ तो अपना एक ऑनेस्ट फीडबैक आप कमेंट्स बॉक्स में हमें शेयर कर सकते हैं। तो चलिए, आज कवर हमें करना है चैप्टर नंबर 8A, वर्क एंड टाइम, काम और समय। एक बहुत ही ज़्यादा बेसिक कंसेप्ट है इस चैप्टर के रिगार्डिंग, और वो क्या है कंसेप्ट, ये कि एक काम को कितने समय में किया जाए और वो समय कहाँ से आएगा, एफिशिएंसी से। अगर मैं कहूं कि ये क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को मैं 30 सेकंड में कर सकता हूं और आप करेंगे एक मिनट में, यानी कि मैं टाइम आधा ले रहा हूं आपसे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरी कैलकुलेशन की स्पीड आपकी कैलकुलेशन की स्पीड से दोगुनी है। अगर मेरी स्पीड दोगुनी है इसीलिए मैं हाफ टाइम ले रहा हूँ, ओके। या मैं ये कहूँ कि मैं एक डिस्टेंस ट्रेवल करने में आपसे आधा वक्त ले रहा हूँ। आधा वक्त क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि मेरी स्पीड ज़्यादा है करने की, ठीक है, डबल स्पीड होगी इसीलिए टाइम आधा लगेगा। सो एक बेसिक कंसेप्ट यही निकल के आता है कि कोई भी काम मैं कितने समय से करूँ वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, मेरी एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसा कि आपको पता ही है कि मैं हर पहले क्वेश्चन में आपको एक बेसिक कंसेप्ट क्लियर करता हूँ, सो इसमें भी एक वही चीज़ करूँगा, बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर करूँगा पहले क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में, ताकि आपका एक फ्लो बन जाए और आप इजीली कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 1। ए किसी काम को 10 दिन में व बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। एक इन क्वेश्चंस का लिखने का तरीका आप पैटर्न बना लीजिएगा कि किस तरीके से आप लिखेंगे, मैं आपको लिखकर बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 था हमारे सामने, ठीक है। मैंने क्या लिखा कि भैया हमारे पास दो पर्सन है काम करने वाले, ए और बी, ठीक है जी। ए ने काम किया टोटल 10 दिन में, मतलब एक ही काम ए 10 दिन में ख़त्म करता है, बी उसी काम को 15 दिन में ख़त्म करता है, ठीक है जी। अब हमें ये तो नहीं पता है कि काम क्या है, सो मैं क्या करता हूँ कि इन दोनों नंबर्स का एलसीएम ले लेता हूँ, जिसको मैं एज आ वर्क डिनोट कर सकता हूँ। हमने कहा कि 10 और 15 का एलसीएम हुआ 30, ओके, 30 इन दोनों का एलसीएम हो गया। लेकिन अगर मैं कहूँ कि 30 काम है और 30 काम को ए 10 दिन में करता है, तो ए एक दिन में कितना काम कर लेगा? 30 काम है, 10 दिन में पूरा कर लेता है, एक दिन में करेगा 30/10, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि एक दिन में कितना करेगा, 10 × 30, ओके। अब बी की बारी आई, बी वही काम यानी कि 30 काम 15 दिन में करता है, बी ने एक दिन में कितना काम किया होगा कि वो 15 दिन में 30 काम खत्म कर पाए, एक दिन में 2 करेगा ना। अगर एक दिन का काम उसका 2 है तो ये हमने लिख दिया 2। अब मैं आपको डिफ्रेंशिएट करता हूँ कि ये क्या चीज़ आई है मेरे पास, ओके। ये देखिए, मैंने कुछ ऐसे ऐसे बना दिया, और आप समझिएगा, पहले एक बार इसमें समझ लीजिए कि ये है क्या चीज़। ये है जी टोटल टाइम टेकन, मैं लिख भी दूंगा, मैं पहले मार्क कर देता हूँ। ये है टोटल वर्क और ये है एफिशिएंसी, ओके। मैं अब मार्क किया हुआ आपको मेंशन कर देता हूँ कि ये क्या क्या चीज़ हैं। ये देखिए, ये है टाइम टेकन, ठीक है, आप टोटल टाइम टेकन इसे कह सकते हैं। टोटल क्यों? क्योंकि ये ए का कुल काम कुल समय है और ये बी का कुल समय है, ठीक है जी। ये क्या है? टोटल वर्क, ठीक है। और ये क्या है? एफिशिएंसी ऑफ इंडिविजुअल्स आप कह सकते हो, यानी कि ए की कार्य क्षमता और बी की कार्य क्षमता, ठीक है। ए की कितनी है? 3, ए के सामने ए की, बी के सामने बी की, ठीक है जी। एफिशिएंसी ऑफ इंडिविजुअल, जिसे मैं कार्य क्षमता कह सकता हूँ, या एक वर्ड और मैं इसे दे सकता हूँ, वन डे वर्क,
वन डे वर्क कि ए का एक दिन का काम कितना है और बी का एक दिन का काम कितना है। आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया था कि भैया दोनों मिलके कितने टाइम में कर देंगे, तो ए देखिए ए का एक दिन का काम 3, बी का एक दिन का काम 2। अगर ए और बी मिलकर काम करने लगें तो एक दिन में कितना काम कर ख़त्म कर देंगे? ए प्लस बी की एफिशिएंसी यानी कि कितनी आ गई? 5। और काम कितना करना है? 30। यानी कि टाइम टेकन बाय ए प्लस बी टू डू द सेम वर्क इज इक्वल टू कितना होगा? 30/5। ठीक है, 30/5 यानी कि कितना आ गया? 6। और यही हमारे सवाल का आंसर होगा। आपने देखा कि हमने क्या किया कि ए की एफिशिएंसी 3 थी, बी की एफिशिएंसी 2 थी, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो दोनों की एफिशिएंसी को भी जोड़ दिया। ठीक है ना, आंसर कितना आ गया? 6। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, चीज़ें पता चल गई होंगी कि किस चीज़ को हम क्या मानते हैं। और अब सवाल करेंगे बिल्कुल जल्दी जल्दी, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ए बी सी अलग अलग किसी काम को 6, 10, 15 दिन में पूरा करते हैं कर सकते हैं, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, यहाँ पर बस 2% थे, यहाँ पर 3% हो गए। इसका भी समझ लीजिए कैसे करते हैं। देखिए ए बी सी है, 6, 10, 15 है, कैसे करेंगे सॉल्व ये देखिएगा। मैंने आपको बताया कि पर्संस लिख लीजिए, ए है, बी है, सी है, ठीक है जी। कितना कितने दिन में कर रहे हैं? ए कर रहा है 6 दिन में, बी कर रहा है 10 दिन में, सी कर रहा है 15 दिन में। ऊपर हमने एलसीएम लिया था दोनों का, ठीक है, यहाँ पर भी एलसीएम ले देंगे। 6, 10, 15 का एलसीएम क्या होगा? 10 और 15 का आया था 30, लेकिन यहाँ पर 6 है साथ में, ठीक है। तो यहाँ भी 6, 30 से 6 से भी डिवाइड हो जाएगा तो 30 ही एलसीएम आ गया जी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ऐसे 6 से 30 को डिवाइड कर दीजिए, क्या आ गया? 6 5 30, यहाँ पर लिख दिए 5। 10 से 30 को डिवाइड कीजिए, यहाँ पर लिखिए 3। 15 से 30 को डिवाइड कीजिए, यहाँ पर लिखिए 2। अब ये क्या आई है? ये आई है एफिशिएंसी, ये टोटल टाइम टेकन बाय इंडिविजुअल्स, ये टोटल वर्क, और ये एफिशिएंसी, एफिशिएंसी ऑफ ए, एफिशिएंसी ऑफ बी, एफिशिएंसी ऑफ सी। अब हमें तीनों से काम करवाना है, यानी कि हमें एक ही दिन तीनों को बिठा देना है, यानी कि तीनों को मिला देना है। ये मिला दिया जी तीनों को, अगर यहाँ पे हमने तीनों को प्लस कर दिया तो यहाँ पर भी कर देंगे, 5 और 3 8 और 2 10। यानी कि ए अकेला एक दिन में 5 काम करता है, बी अकेला एक दिन में 3 काम करता है, सी अकेला एक दिन में 2 काम करता है, लेकिन जब मैं तीनों को इकट्ठा बिठा दूंगा तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर देंगे? 10 काम। हमें काम कितना करवाना है? 30। यानी कि टाइम टेकन कितना हो जाएगा? मैं लिख सकता हूं कि टाइम टेकन बाय ए प्लस बी प्लस सी टू डू द वर्क इज इक्वल टू कितना? 30 काम करवाना है 10 एफिशिएंसी से, और 10 * 30 यानी कि 3 दिन में तीनों मिलकर वही काम खत्म कर देंगे। कौन सा काम? वो काम जो ए 5 दिन में कर रहा था, बी 3 दिन में कर रहा था, और सी 2 दिन में कर रहा था, ठीक है जी। यही चीज देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। ए और बी मिलकर किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं, यदि ए उस काम को 10 दिन में पूरा करे तो बी उस काम को अकेला कितने दिन में पूरा करेगा? यहाँ पर पहले हमें ए और बी दोनों को मिलाकर काम करा दिया, यानी कि दोनों को दोनों मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं, 6 दिन में काम कर दे रहे हैं, लेकिन बाद में ए को अकेले करा दिया, 10 दिन में काम कर रहा है, तो हमें बताना है बी कितने दिन में करेगा। आप उससे पहले हमें बी की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी, कैसे समझने की कोशिश कीजिएगा। हम कैसे लिखते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है ना वैसे ही लिख दो। सबसे पहले काम किसने किया? ए प्लस बी दोनों ने मिलकर, और ए प्लस बी दोनों ने मिलकर कितने दिन में काम कर दिया? 6 दिन में, ये लिख दिया जी 6 दिन। फिर काम किया ए ने, ये लो जी ए लिख दिया, कितने दिन में किया? 10 दिन में, ठीक है। अब काम टोटल कितना रहा होगा? मैंने बताया दोनों का एलसीएम ले दो, दोनों का एलसीएम लिया जी 30, ओके। 30 ही एक ऐसा नंबर है छोटे से छोटा जो 6 और 10 दोनों से कट जाएगा। चलिए 6 * 30 6 * 5 = 30, गलती हो गई और ऐसी मिस्टेक तो नहीं होनी चाहिए थी। 6 * 5 = 30 10 * 30 क्या मैं इस 5 को लिख सकता हूँ 3 जमा 2,
और ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि आपने देखा यहाँ पर ए और बी, ए कितना है 3, और ऐसा क्यों लिखा यहाँ पर ए मेरा 3 है, अगर मैं यहाँ पर ए को 3 लिख दूंगा तो बाकी बचा हुआ 2 कौन हुआ, बी। मैं कह सकता हूँ कि एफिशिएंसी ऑफ बी इज इक्वल टू 2, यानी कि ये क्या हुआ वन डे वर्क ऑफ बी। ठीक है जी, अगर बी एक दिन में 2 काम करता है तो 30 काम कितने दिनों में कर देगा, टाइम टेकन बाय बी इज इक्वल टू 30/2 इज इक्वल टू 15, और इसका मतलब बी अगर अकेला काम करेगा तो 15 दिन में काम खत्म कर देगा। कौन सा काम, जो काम ए 10 दिन में खत्म कर रहा है, ठीक है, और ए प्लस बी दोनों मिलके 6 दिन में खत्म कर रहे हैं। ठीक है जी, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि हम किस तरीके से एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। ए प्लस बी की मेरे पास थी, ए की मेरे पास थी, मैंने ए की एफिशिएंसी को ए प्लस बी की एफिशिएंसी में से माइनस कर दिया, मुझे बी की एफिशिएंसी मिल गई, और टोटल वर्क को मैंने बी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दिया, मुझे टाइम मिल गया कि बी इतने दिन में काम खत्म कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का कहता है। देखिए ए बी और सी मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए अकेला उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, बी अकेला उसी काम को 40 दिन में कर सकता है, तो सी अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा हमें बताना है। ठीक है, बिल्कुल ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, ऊपर 2 कैंडिडेट्स का था, यहाँ 3 कैंडिडेट्स का है, समझ लीजिए कैसे अप्रोच करेंगे। अप्रोच बिल्कुल वही है, बिल्कुल जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता रहे, 3 कैंडिडेट से पहले काम करवा रहा है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम कर रहे हैं, सेकेंड ए अकेला काम कर रहा है, फिर बी अकेला काम कर रहा है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने दिन में कर दे रहे हैं 10 दिन में, ए अकेला कितने दिन में कर रहा है 30 दिन में, और बी कर रहा है 40 दिन में। मैंने बताया ये टोटल टाइम टेकन बाय इंडिविजुअल्स, यानी कि तीनों मिलकर 10 दिन लेंगे, ए 30 दिन लेगा और बी 40 दिन लेगा किसी भी एक काम को करने में, और काम कितना होगा इन तीनों का एलसीएम यानी कि 120, ठीक है, 120 इनका एलसीएम हुआ। अब आता है वन डे वर्क की बात, यानी कि एफिशिएंसी की बात, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी क्या होगी, 1/20/10, यानी कि मैं कह सकता हूँ 120 को मैंने 10 से डिवाइड कर दिया, वन डे वर्क आ जाएगा कितना आ जाएगा 12। ठीक है जी, अगर मैं ए की एफिशिएंसी पता करना चाहूँगा तो मैं टोटल वर्क को टोटल टाइम से डिवाइड कर दूंगा, यानी कि कितना 4, 30 चौका 120 होता है और 40 तिया 120 होता है, तो ये आ गया जी 30। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी है, यहाँ पर a और b है, a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 3 है, अगर ये 4 और 3 की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर दूँ, 4 और 3, ओके 4 और 3 कितना हो गए 7, बाकी c कितना बच जाएगा 12 माइनस 7, सी बराबर कितना हो गया, मैं कह सकता हूँ कि एफिशियंसी ऑफ सी इज इक्वल टू एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी माइनस एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी। ठीक है जी, ये आप लिख सकते हैं, और ये कितनी है 12 है, माइनस ए प्लस बी की कितनी आ गई 5, 4 और 3 7, इससे एफिशिएंसी ऑफ सी हमें कितनी मिल गई, एफिशिएंसी ऑफ सी हमें मिल गई 5। ठीक है, और हमें काम कराना है सी पर, हमें बताना है कि सी कितने दिन में काम कर देगा, हम कह सकते हैं टाइम टेकन बाय सी इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ सी इज इक्वल टू 5 × 2 = 10 और 5 × 20, यानी कि बी अकेला अगर ओ सॉरी सी अगर अकेला काम करेगा तो 24 डेज में काम खत्म कर देगा। कौन सा काम, जो काम ए प्लस बी प्लस सी 10 दिन में कर रहे थे, ए 30 दिन में कर रहा था और बी 40 दिन में कर रहा था, वही काम सी कितने दिन में 24 दिन में कर देगा। आशा करता हूँ कि अब आपको ये चीज़ बिल्कुल कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा वक्त समझाने में नहीं लेंगे। ठीक है, अगर कुछ भी आपकी क्वेरी आती है तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है आप सभी के पास, व्हाट्सएप पर बता सकते हैं, फेसबुक पर शेयर कर सकते हैं, ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है।
ए व बी अलग अलग किसी काम को 15 व 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं। 6 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। माइंड इट, 6 दिन बाद जाता है। इसका मतलब 6 दिन तक तो ए प्लस बी ने दोनों ने मिलकर ही किया होगा, ठीक है। ओके, शेष काम बी कितने समय में पूरा करेगा। चलिए, आई होप आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा, सुन लिया होगा। मैं एक बार अप्रोच करता हूँ डायरेक्ट, और यहीं से समझिए कि ये क्या कह रहा है, कितना कितना है। ए बी 15 20, ठीक है। मैंने लिखा जी ए ने काम किया और बी ने काम किया। ए ने काम किया 15 दिन में, बी ने काम किया 20 दिन में। काम कितना हो गया होगा इनका एलसीएम, यानी कि 15 चौके 60 और 20 तिया 60। एफिशिएंसी कितनी आ गई, 15 चौके 60 और 20 तिया 60। ये टोटल टाइम टेकन है, ये टोटल वर्क है, और ये वन डे वर्क है। ए का 4, बी का 3। अगर मैं बात करूं कि दोनों ने मिलकर भी काम किया है, तो ए प्लस बी दोनों ने मिले और कितना काम कर दिया, 4 और 3 7 काम कर दिया, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ध्यान क्या देना है, मैं यहाँ पर एक लाइन बना देता हूँ ताकि आप अलग से देख पाएँ ये चीज। अब देखिए कि अगर ए प्लस बी का 7 काम क्या है, 1 दिन का काम, वन डे वर्क ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 7। सो 6 डे वर्क ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 7 × 6 इज इक्वल टू 42। आगे बात समझ में, जो 7 था वो ए प्लस बी का 1 दिन का काम था, तो 6 दिन का काम कितना हो गया, 7 × 6 = 42। रेस्ट वर्क कितना रह गया, रेस्ट वर्क क्योंकि टोटल काम था 60, ए प्लस बी 6 दिन तक कर चुके हैं 42 काम, रेस्ट रह गया 60 − 42 = 18 काम, ठीक है जी। अब ये 18 काम किसको करना है, बी को। ऐसा क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि ए जो है वो 6 दिन बाद छोड़कर जा चुका है। अगर ए 6 दिन बाद छोड़कर जा चुका है, यानी कि 42, जब ए गया तब तक 42 काम खत्म हो चुका था। अब बचा हुआ 18 काम करना है, और इसको करना है बी को, किस एफिशिएंसी से, 3 एफिशिएंसी से। सो मैं कह सकता हूँ रिमेनिंग वर्क डन बाय बी इन 18/3, यानी कि 6 डेज। ओके, आगे बात समझ में। अब देख लीजिए ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि काम अब सिर्फ बी को करना है, और बी को सिर्फ 18 काम करना है, ना कि 60 काम। और 60 काम क्यों नहीं करना, क्योंकि वो काम ऑलरेडी ए प्लस बी 6 दिन तक कर चुके हैं 42 काम। जो काम बचा हुआ है वो 18 ही बचा हुआ है, ठीक है ना। 18 ही काम करना था ए प्लस बी को, सॉरी बी को सिर्फ लास्ट में, और किस एफिशिएंसी से, 3 की एफिशिएंसी से। तो 18/3 6, बी उस काम को 6 दिन में कंप्लीट कर देगा। कौन से काम को, रेस्ट वर्क को, रिमेनिंग वर्क जिसे हम कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन एवं बी और सी मिलकर उसे 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर उसे 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, और ए और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे हमें बताना है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और आपके पेपर में आने लायक है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। सॉल्यूशन मैं बताता हूँ, ठीक है। देखिए, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला गया है ना, वैसे वैसे करते रहिए, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। क्वेश्चन में बोला गया है कि जो पहले काम किया ए प्लस बी ने, फिर काम किया बी प्लस सी ने, और उसके बाद काम किया तीनों ने, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों ने मिलकर काम किया। ए प्लस बी ने जो काम किया वो 8 दिन में काम खत्म कर दिया, बी प्लस सी ने वही काम 12 दिन में खत्म कर दिया, और तीनों, अगर तीनों मिलकर काम करते हैं तो वही काम 6 दिन में खत्म कर देते हैं। बात करूं भैया काम कितना था, काम था इनका एलसीएम, यानी कि 24। आप देखेंगे कि 8 तिया 24, 12 दूनी 24 और 6 चौक 24, और ये जो आया है वो क्या आया है, इनका एफिशिएंसी 8 तिया 24, 12 दूनी 24 और 6 चौक 24, ये आया है वन डे वर्क। अब थोड़ा सा बहुत ध्यान दीजिएगा, एक खूबसूरत तरीका मैं बताता हूँ आपको। एक बात देखिए, मैं दो अलग अलग कलर के पेन यूज़ करता हूँ आपको समझाने के लिए। ए प्लस बी, अगर मैं ये ए प्लस बी की वैल्यू
तीन यहाँ पर रख दूँ तो मुझे क्या मिलेगा? मैं इस चार को कैसे लिख सकता हूँ? बराबर होगा चार, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है? तीन। मैंने लिखा जी तीन, और बाद में बचा सी। इस सी को मैं लिख सकता हूँ प्लस वन करके, क्योंकि ये जो तीन था ये तो थी ये प्लस बी की वैल्यू, और बाकी यहाँ पर सी है और यहाँ पर बाकी बचा एक। इसका मतलब ये जो ए है यानी कि ये जो वन आया है ये किसकी एफिशिएंसी होगी? सी की एफिशिएंसी। ओके जी, अब एक चीज़ और समझिए। मैं इसी चीज़ को बराबर करके एक अलग से फिर से लिखता हूँ, और वो क्या कि बी प्लस सी कितना है तो, और यहाँ पर बी प्लस सी है, मैं इस बी प्लस सी को यहाँ पर लिखता हूँ दो। ये लिखा जी मैंने दो। अब टोटल मुझे चार बनाना है, बाकी बचा दो। वो दो कौन है? ए रहा होगा। सो मैं कह सकता हूँ कि ये जो दो है, या कोई भी दो लगा लीजिए, दो तो दो बराबर ही है, ये है ए। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि ये जो दो है ये दो तो बी प्लस सी है, और यहाँ पर ए बचा है, और यहाँ पर चार बनाने के लिए दो बचा है। इसका मतलब अगर मैं कहने लगूं कि भैया ए प्लस सी की एफिशिएंसी क्या होगी? एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस सी इज इक्वल टू, ए कितना है? दो। सी कितना है? एक। बराबर कितनी आ गई एफिशिएंसी? तीन। ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है? और अगर जैसे ही आपको समझ में आ गई तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, और वो क्या, अब ए प्लस सी काम को कितने दिन में करेगा? टाइम टेकन बाय ए प्लस सी बराबर टाइम, तो वर्क कितना है टोटल? 24। एफिशिएंसी कितनी है? तीन। सो टाइम कितना लग जाएगा? 8। 8 डेज। अगर दिन में दिया है तो दिन, घंटों में दिया है तो आवर्स, और यही आपका आंसर होगा। आगे बात समझ में, देख सकते हैं आप। ओके जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ए बी सी अलग अलग किसी काम को 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं। 2 दिन बाद ए काम कर छोड़कर चला जाता है, उसके 2 दिन बाद बी काम छोड़कर चला जाता है। शेष काम सी कितने समय में पूरा करेगा? क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, आपके पेपर में आ सकता है, स्टार मार्क कर लीजिए इसे भी। सॉल्यूशन मैं बताता हूँ, ठीक है? ए बी सी क्या दिया हुआ है? 10, 12, 15। ठीक है, पहले हम वैसे ही लिख लेते हैं। ए ने काम किया, बी ने काम किया, सी ने काम किया, कितने कितने टाइम में किया? ए ने 10 दिन में, बी ने 12 दिन में, और सी ने 15 दिन में। यह काम कितना किया? मैंने बताया इनका एलसीएम, एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। अब आप इसे, वन डे वर्क कितना हो जाएगा इनका? 10 छीका 60, 12 पंजे 60, 15 चौके 60। ये आ गया जी वन डे वर्क। अब मैं बात करूं कि तीनों ने इकट्ठे भी काम किया है, भैया ए प्लस बी प्लस सी ने तीनों ने काम किया है, तो कितना? 10, 6 और 4, 10 और 5, 15। ये आ गई तीनों की एफिशिएंसी। अब इन क्वेश्चंस को बहुत थोड़े टाइम में आप किस तरीके से कर सकते हैं समझिएगा। मैं एक लाइन लगा देता हूँ एक बार फिर से, और यहीं पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? मैंने एक लाइन ड्रॉ की, और लाइन कुछ इस तरीके से कि यहाँ से यहाँ तक मैंने पूरा काम डिवाइड किया, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये मैंने टोटल वर्क मान लिया, ठीक है जी? टोटल वर्क में ए प्लस बी प्लस सी ने तीन हिस्सों में काम डिवाइड हुआ है। हिस्से कौन कौन से हैं देखिएगा। सबसे पहले बोला है कि तीनों ने एक साथ मिलकर काम शुरू किया। सॉरी, 7th क्वेश्चन है ना? हाँ, तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं, ये इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी ने शुरुआती काम किया। ओके, 2 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। अब ए जो है वो 2 दिन बाद गया है, इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी ने 2 दिन तो काम किया ही किया होगा। सो हमने लिख दिया जी 2 दिन काम किया इन्होंने, ठीक है? उसके बाद 2 दिन बाद बी छोड़कर जाता है, इसका मतलब अगले 2 दिन तक बी प्लस सी ने भी काम किया होगा, ठीक है? और तभी तो बी छोड़कर चला गया। अब अगर 2 दिन तक बी प्लस सी ने काम किया है, लास्ट में कौन बच गया? सिर्फ सी। हमें नहीं पता इसको ने कितने ने दिन में बोला है इसने, सी कितने दिन में काम पूरा करेगा, ये इस हमें बताना है। अब आप देखिए,
ए प्लस बी प्लस सी ने 2 दिन काम किया, 2 दिन में कितना काम कर दिया होगा? ए प्लस बी प्लस सी का 1 दिन का काम कितना है? 15। तो 2 दिन में 2 × 15 यानी कि 30 काम कर दिया होगा, ठीक है। बी प्लस सी, बी प्लस सी का 1 दिन का काम कितना है? बी का 5 है, सी का 4। दोनों को हम अगर ऐड कर दें तो काम आ जाता है 9, ठीक है। 1 दिन का काम 9 है दोनों का, 2 दिन का कितना हो जाएगा? 18 का। आगे बात समझ, ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे बोल रहा हूँ एकदम वर्ड टू वर्ड सुनते चलिएगा। अब काम कितना हो गया? 30 यहाँ पर हो गया, 18 यहाँ पर हो गया। ये अगर मैं इनको ऐड करूँगा तो कितना आ जाएगा? 48। ये आ गया जी 48। रिमेनिंग वर्क कितना रह गया? रिमेनिंग वर्क रह गया 60 - 48। मैं लिख देता हूँ रिमेनिंग वर्क, वर्क इज इक्वल टू 60 - 48 इज इक्वल टू 12। और यही 12 काम किसने किया है? यही 12 काम किसने किया है? सी ने, ठीक है। ध्यान रखिएगा मैंने अलग पेन यूज किया है, ठीक है। ये 12 काम सी ने किया है और सी की एफिशिएंसी कितनी है? 4। टाइम टेकन बाय सी टू डू द रिमेनिंग वर्क, वर्क इज इक्वल टू, काम कितना है रिमेनिंग? 12 है। एफिशिएंसी कितनी है सी की? 4। टाइम कितना ले देगा? टाइम आ जाएगा जी 3। सी अपना काम जो है वो 3 दिन में खत्म कर देगा, ठीक है। और यही हमें बताना था कि सी जो है रिमेनिंग वर्क कितने टाइम में खत्म कर देगा। आंसर आ गया 3 दिन। पता है आपको, अगर आपकी कैलकुलेशन और आपका कंसेप्ट क्लियर हो ना तो आप ये चीज मुजबानी कर सकते हैं। सिर्फ ये लाइन बनानी है आपको, लिखना है कि भैया ए प्लस बी प्लस सी ने 2 दिन काम किया है, बी प्लस सी ने 2 दिन किया है, ठीक है। और यहां से बस मुजबानी प्लस माइनस कर देना है, समझ रहे हैं। यहां पर जैसे ही 12 आया, इस 12 को 4 से डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा 3। ये नीचे लिखने की या कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ए व बी अलग अलग किसी काम को 10 व 15 दिन में समाप्त करते हैं। दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं, कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, शेष काम को बी 10 दिन में पूरा करता है। तो बताइए ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा? बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं और नॉर्मल क्वेश्चन हैं, कुछ बहुत बड़े नहीं हैं, ठीक है। सॉल्यूशन देखिएगा, मैंने अभी पीछे आपको बताया था लाइन प्रोसेस की, लाइन से आप कैसे अप्रोच कर सकते। काम करने वाले 2 हैं, ए 10 दिन में कर देता है, बी 15 दिन में कर देता है। काम कितना हो गया टोटल? 30, जो कि हमारा एलसीएम है, 10 + 30 = 15 × 2 = 30। अगर बात करूं ए प्लस बी की, दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 3 × 2 = 5। ये वन डे वर्क है ए प्लस बी का। अब मैं एक बार फिर से अपनी लाइन ड्रॉ करता हूं कुछ इस तरीके से कि ये मैंने पूरा काम डिवाइड कर लिया। पूरा काम किस तरीके से? सबसे पहले भैया दोनों ने मिलकर काम शुरू किया था, क्या मैं लिख सकता हूँ? अगर दोनों ने मिलकर काम शुरू किया था तो ए प्लस बी ने मिलकर काम किया, ठीक है। कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, हमें नहीं पता कितने दिन बाद, ठीक है। लेकिन अगर ए काम छोड़ के गया तो रिमेनिंग काम तो बी को ही करना पड़ेगा ना, ये तो तय है। क्वेश्चन में बोला गया है कि बी ने 10 दिन काम किया। अब आप खुद देखिए यारों कि बी की 1 दिन का काम कितना है? बी का 2। 10 दिन में काम कितना कर लिया होगा? गुना 2, यानी कि 1 दिन में काम 2, 10 दिन में 10 × 2 यानी कि 20 वर्क, ठीक है। 20 वर्क अकेला किसने किया? बी ने। रिमेनिंग वर्क क्या रहा होगा? रिमेनिंग वर्क बराबर 30 - 20 = 10। ये हमारा रिमेनिंग वर्क रहा है। अब आप देखिए कि अगर लास्ट में बी ने 10 दिन के अंदर, ठीक है, 20 वर्क कर लिया, तो जो 10 काम था पहले का, वो 10 काम ए प्लस बी ने दोनों ने मिलकर किया होगा, सही बात है, ठीक है। तो ये जो 10 काम है ए प्लस बी ने मिलकर किया, और ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है मिलकर? 5। इसका मतलब टाइम कितना लगा होगा? टाइम टेकन
बाय ए प्लस बी टू डू द 10 वर्क इज इक्वल टू 10 अपॉन 5 वर्क अपॉन एफिशिएंसी, क्योंकि ए प्लस बी ने तो 10 ही काम किया ना, क्योंकि बी ने तो 20 काम कर ही दिया था। आंसर कितना आ गया, 5 से 10 को कट करेंगे 2, ये 2 डेज। इसका मतलब ए प्लस बी ने 2 दिन तक काम किया, ठीक है, यानी कि ये 2 डे, और इन्हीं 2 दिन के बाद ए गायब हो गया, बाकी बचा काम बी ने 10 दिन में ख़त्म कर दिया, ठीक है जी। आंसर आ जाएगा 2 दिन, ए कितने दिन पहले छोड़ के गया, 2 दिन पहले छोड़ के गया, 2 दिन काम किया उसने, 2 दिन काम करके छोड़ के चला गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ए बी व सी अलग अलग किसी काम को 10, 15 व 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं, कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, उसके एक दिन बाद बी भी काम छोड़कर चला जाता है, शेष काम सी द्वारा 3 दिन में पूरा किया जाता है, बताइए ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा। बहुत इजी क्वेश्चन है, वही बिल्कुल ऊपर वाला पैटर्न जो क्वेश्चन नंबर 8 हमने किया, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा लिख कर बता देता हूँ, कंप्लीट आप खुद से कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। आप पहले लिखेंगे भैया ए बी और सी का काम ने कितने कितने दिन में किया, 10 दिन में, 15 दिन में और 30 दिन में। टोटल काम की बात करूँ तो इनका एलसीएम हो जाएगा जो कि 30 आएगा, और अगर मैं इनके वन डे वर्क की बात करूँ तो कितना आएगा, 10 दिया 30, 15 दूनी 30, 30 एकम 30, ठीक है। अब मैं बात करूँ कि भैया तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर देंगे, तो तीनों हमने मिला दी और तीनों की एफिशिएंसी ऐड कर दी, 3 और 2 5 और 1 6, ठीक है। अब कुछ उसी तरीके से मैंने अपना लाइन मेथड यूज़ किया और काम को डिवाइड किया कुछ इस तरीके से कि ये मैंने टोटल वर्क मान लिया और टोटल वर्क को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया। और ऐसा क्यों, क्योंकि सबसे पहले तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं जो कि ए प्लस बी प्लस सी है, ए कुछ टाइम बाद छोड़ के चला जाता है और उसके बाद बी प्लस सी काम करते हैं, बी एक दिन बाद छोड़कर चला जाता है और सी काम करता है, ठीक है। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर अगर काम मैं बोलूँ कि बी एक दिन बाद छोड़कर चला जाता है तो बी प्लस सी ने एक दिन काम किया होगा और रिमेनिंग वर्क जो था वो सी 3 दिन में ख़त्म कर देता है, इसका मतलब 3 दिन यहाँ पर भी काम हुआ होगा, ओके। अगर मैं बी प्लस सी की बात करूँ तो बी 2 है सी 1 है, यानी कि दोनों ने मिलकर काम किया होगा तो 3 काम किया होगा, और 3 काम एक दिन का, एक दिन यहाँ पर हुआ है तो 3 काम कितना हो गया होगा, यहाँ पर 3 काम हो गया होगा एक दिन में, 3 काम सी के, सी ने 3 दिन काम किया है और सी का एक दिन का काम है 1, सो सी ने कितना काम कर दिया होगा, 3 काम। अब आप देख पा रहे होंगे कि बी प्लस सी ने एक दिन में 3 काम किया, सी ने 3 दिन में 1 एफिशिएंसी के साथ टोटल 3 काम किया, दोनों मिलकर कितना काम कर चुके हैं, 6 काम कर चुके हैं। टोटल टाइम वर्क हमारे पास कितना था, 30 काम था हमारे पास, 6 यहाँ पर हो चुका है, जो रिमेनिंग बचा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये रिमेनिंग, ठीक है, जो रिमेनिंग वर्क है मतलब 30 में से 6 गए, कितना बचा वो मैं यहाँ लिख देता हूँ दूसरे पेन से, बचा 24 वर्क, ठीक है। अगर 24 काम है और 24 काम ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कर रहे हैं, एफिशिएंसी कितनी है, 6, इसका मतलब काम कितने दिन में ख़त्म कर देंगे, 24 बटा 6 यानी कि 6 चौक 24, 4 दिन में। इसका मतलब जो ए था, ए ने 4 दिन काम किया होगा और छोड़ के चला गया, तभी तो बी प्लस सी बचे, आंसर आ जाएगा 4। करके देखिएगा एक बार, क्योंकि यार कर तो मैंने ही दिया है, बस आपको लिखना है 24 बटा 6, एक दिन आ जाएंगे, बात ख़त्म। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। ए बी व सी अलग अलग किसी काम को 15, 20 व 30 दिन में काम पूरा करते हैं, तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं, 4 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, उसके कुछ दिन बाद बी भी काम छोड़ देता है, शेष काम सी द्वारा 2 दिन में पूरा किया गया हो तो बी ने कुल कितने दिन काम किया। अच्छा क्वेश्चन है, शुरू में देखिए तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं, ठीक है, और ए 4 दिन बाद काम छोड़ता है, इसका मतलब पहले तीनों ने मिलकर 4 दिन तो काम किया ही किया होगा, ठीक है ना। फिर बी का हमें नहीं पता भाई बी कितने दिन पहले छोड़ता है, लेकिन हमें सी का पता है कि सी लास्ट के 2 दिन अकेला काम करता है,
चलिए शुरू करते हैं। मैंने कुछ लिख भी दिया है कुछ इस तरीके से, क्योंकि हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में ये चीज़ गिवन है कि ए ने 15 दिन में काम खत्म करता है, बी 20 दिन में काम खत्म करता है, सी 30 दिन में काम खत्म करता है। हमें नहीं पता कितना काम है, तो हमने एलसीएम ले दिया और उसे मान लिया टोटल वर्क। वन डे वर्क कितना आ गया, ए का वन डे वर्क 4, बी का वन डे वर्क 3, सी का वन डे वर्क 2, यानी कि ये एफिशियंसीज हैं। तीनों का मिलकर बात करें तो 4, 3, 7 और 2, 9 जो कि टोटल होगा ए प्लस बी प्लस सी का, और ये सी का वन डे वर्क है, यानी कि सी ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी है। चलिए अब बात करते हैं कि भैया ए जो है वो 4 दिन बाद काम छोड़कर जाता है, इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों ने 4 दिन तो काम किया ही किया होगा, 4 डे वर्क किया। बी प्लस सी का हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि सी ने लास्ट में अकेले 2 दिन काम किया है। अब काम कितना कर लिया होगा वो देख लेते हैं। तीनों मिलकर 4 दिन काम करते हैं, तीनों का 1 दिन का काम कितना है, 9। ठीक है, अगर 1 दिन का काम 9 है तो 4 दिन में कितना काम कर दिया होगा, 4 ने 36 वर्क कर लिया होगा। अगर सी अकेला यहाँ पर काम कर रहा है 2 दिन, सी का 1 दिन का काम कितना है, 2, सो सी का 2 दिन का कितना हो जाएगा, 4, 4 वर्क। टोटल अगर मैं इनकी बात करूं तो ऐड किया मैंने तो काम हो गया टोटल जी 40 वर्क, और ये हो गया डन। ठीक है, 40 काम हो चुका है, रिमेनिंग वर्क जो रहा होगा, रिमेनिंग वर्क वो क्या रहा होगा, 60 माइनस 40 बराबर 20, और यही 20 काम किसने किया होगा, बी प्लस सी ने, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी का हमें पता है, सी का पता है, लेकिन बी प्लस सी का नहीं पता, समझिए। ठीक है, तो अब एक मैं लिखता हूं कि एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस सी, क्योंकि दोनों मिलके काम करेंगे ना यहाँ पे, तो कितनी हो गई, 3 और 2 5, 3 जमा 2 बराबर 5। टाइम टेकन बाय बी प्लस सी टू डू दी रिमेनिंग वर्क इज इक्वल टू, रिमेनिंग वर्क कितना है, 20, एफिशिएंसी कितनी है, 5। कितना टाइम लिया होगा इन्होंने दोनों ने मिलके, 5 चौक 20, यानी कि 4 डेज। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि B प्लस C ने अगर 4 दिन काम किया है, सो यहाँ पर इन्होंने 4 डे काम किया होगा, और इन्हीं 4 दिन के बाद B छोड़कर चला गया, बाकी बचा हुआ काम C ने 2 दिन में निपटा दिया। यही आपका आंसर होगा और यही आपको करना है। ठीक है, ये तो मैंने एवं ही लिख दिया, अगर आप करना चाहें यहीं से कर सकते हो। 36 और 4 कितने, 40, 60 में से 40 गए 20, 20 काम करना है B प्लस C को, काम है 20 और B प्लस सी की एफिशिएंसी 3 और 2 5, 20 बटा 5 बराबर 4, आंसर फटाक देसी आ जाएगा। ठीक है, बस लिखा है क्योंकि आपको एक प्रॉपर सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, भागना नहीं है, समझाना है, सिखाते हुए चलना है। ठीक है, और अगर आप सीख पा रहे हो, सॉल्यूशंस पसंद आ रहे हो, तो लाइक करना, अपने कमेंट्स और फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ठीक है, वही हमें थोड़ा सा मोटिवेट करते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स देखने को मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, ए बी व सी अलग अलग किसी काम को क्रमशः 10, 12 व 30 दिन में समाप्त करते हैं, तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं। बी काम समाप्त होने से 3 दिन पहले व ए 7 दिन पहले काम छोड़ देता है, बताइए पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल ट्रिपल स्टार मार्क कर लीजिए, पहले ही बता रहा हूँ। इसमें एक टाइप चेंज हो जाती है, और वो क्या कि यहाँ पर हमें जो गिवन होता है ना, वो गिवन होता है कि ये लोग कितने पहले काम छोड़कर गए। ठीक है, लेकिन ट्रिक बहुत ही शानदार, मैं बताता हूँ आपको कैसे करते हैं। अगर मैं नॉर्मल बेसिक जो मैंने अभी तक आपको बताया है, तो मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ। इस तरीके से लिखने का मतलब कि भैया ए जो था, ए ने एक एक काम 10 दिन में कर सकता है, बी 12 दिन में, सी 30 दिन में, काम 60 हो गया। ए का 1 दिन का काम 6, बी का 1 दिन का काम 5, सी का 1 दिन का काम 2, और अगर मैं तीनों को मिला दूं ए प्लस बी प्लस सी, तो तीनों का 1 दिन का काम 13।
इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी अभी तक पिछले क्वेश्चन जो मैंने समझाए हैं। अब बोला है क्वेश्चन में कि ए जो है वो काम 6 दिन पहले छोड़कर चला जाता है और बी 3 दिन पहले छोड़कर चला जाता है। ध्यान दीजिएगा, अब एक बात बताइए, जब ये काम नहीं छोड़ के जा रहे थे तो काम कितना हो रहा था? 60। ठीक है, अब वो छोड़ के चले गए। अब मैं लिखता हूँ कि भैया 7 डे वर्क ऑफ ए बराबर कितना होगा, ए का 1 दिन का काम 6 है, 7 दिन का काम कितना हो जाएगा, 7 गुना 6 यानी कि 42। ठीक है, ए का 6 दिन का काम 42, बी कितने दिन पहले छोड़ के जाता है, 3 दिन पहले। मैं लिख सकता हूँ 3 डे वर्क ऑफ बी इज इक्वल टू, बी का 1 दिन का काम 5 है, 1 दिन का काम 5 है तो 3 दिन का कितना होगा, 3 गुना 5 = 15। ठीक है, ये मैंने क्यों लिखा है समझिए, ध्यान से सुनिएगा। मैंने इसीलिए लिखा है दोस्तों कि अगर मान लो ए 6 दिन पहले काम छोड़ के चला गया था, इसका मतलब वो 42 काम छोड़ के चला गया, समझ रहे हैं, और सी अगर 3 दिन पहले काम छोड़ के चला गया था तो इसका मतलब बी 15 काम छोड़ के चला गया, समझे। लेकिन अगर मैं बोलूं कि भैया ए जो आप 42 काम छोड़ के गए वो आप कंप्लीट कीजिए, बी को बोलूं कि जो काम आप 3 दिन का छोड़ के गए यानी कि 15 काम जो आप छोड़ के गए वो काम कंप्लीट कीजिए, सो ए प्लस बी का ये जो टोटल काम होगा, ये टोटल वर्क, टोटल वर्क ऑफ ये ए प्लस बी का ये वाला काम, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 42 जमा 15 यानी कि 5 × 2 = 57 हो गया ये, ठीक है, ये 57 काम। अब मैं ए और बी से ये 57 वर्क एक्स्ट्रा करा रहा हूँ क्योंकि जो ये छोड़ के चले गए हैं, अगर ये काम छोड़ के चले गए हैं एक्स्ट्रा है और ये काम यहाँ पर 60 है तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 60 जमा 57। ध्यान दीजिएगा, यही चीज़ समझने की है, ठीक है, ये काम हो गया जी 57। नाउ टोटल वर्क इज इक्वल टू 60 + 57 और ये कितना हो जाएगा, 7 × 11 = 117। ये अब टोटल काम हो गया जी 117 है, और जैसा कि आपको पता ही है स्टार्टिंग में तीनों ने मिलकर काम शुरू किया था और मिलकर काम शुरू करने की एफिशिएंसी कितनी, 1 दिन की 13 यानी कि तीनों मिलकर 1 दिन में 13 काम करते हैं। हमें बताना है कि काम कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा यानी कि 117 काम कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा। टाइम टेकन बाय ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 117/13, ठीक है, इज इक्वल टू 9 डेज, और यही आपके सवाल का आंसर होगा। इसमें हमें सिर्फ इस क्वेश्चन में करना क्या होता है कि ये जितने जितने दिन छोड़ के काम गए हैं ना उस काम को करवा लेते हैं इनसे, यानी कि जैसे मैंने 57 काम करा लिया, इसमें ऐड कर दिया और टोटल से डिवाइड कर दिया, सिर्फ इतनी ही ट्रिक है कि जो काम छोड़ के गए वो करवाओ, टोटल काम में ऐड कर दो और टोटल एफिशिएंसी तीनों की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो, ठीक है, आपके पास टाइम आ जाएगा कि टोटल काम कितने दिन में ख़त्म होगा। आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, नहीं समझ में आए वीडियो रिवाइंड कीजिए, ठीक से देखिए और सीखिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ए और बी किसी काम मिलकर किसी काम को 12 दिन में, बी और सी मिलकर 15 दिन में तथा सी और ए मिलकर 20 दिन में काम समाप्त करते हैं, यदि वे तीनों एक साथ मिलकर काम करें तो कितने दिन में काम पूरा कर देंगे। वही क्वेश्चन हैं बिल्कुल, और जैसे जैसे बोलते जाओ वैसे वैसे लिखते जाओ। मैंने लिखा है कुछ कि भैया जब ए प्लस बी मिलकर काम कर रहे हैं तो 12 दिन में कर देते हैं, बी प्लस सी मिलकर 15 दिन में, सी प्लस ए मिलकर 20 दिन में। चीज़ वही है, आप इन्हें ए बी सी भी ले सकते हैं, कुछ भी कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन वो चीज़ आती क्यों है और क्या गड़बड़ हो सकती है, देखिए काम टोटल हो गया 60, सभी की वन डे वर्क आ गया 5, 4, 3, ए प्लस बी मिलकर 1 दिन में 5 काम करेंगे, बी प्लस सी मिलकर 1 दिन में 4 काम करेंगे, सी प्लस ए मिलकर 1 दिन में 3 काम करेंगे। अगर मैं कहूँ कि इनमें इन सबको इकट्ठा काम कराऊँ, ए प्लस बी प्लस सी को, मैं इन्हें जब जोड़ने लगूँगा तो आप देखेंगे कि
ए यहाँ पर भी है और ए यहाँ पर भी है, ठीक है। सेकंड चीज़ आप देखेंगे कि बी यहाँ पर भी है और बी यहाँ पर भी है। फिर आप देखेंगे कि हमारे पास सी यहाँ पर भी है और सी यहाँ पर भी है। इसका मतलब जब हम इन्हें जोड़ने लगेंगे तो हमें दो ए मिलेंगे, दो बी मिलेंगे और दो सी मिलेंगे, मतलब 2a+2b+2c, जिसे मैं लिख सकता हूँ 2 into a+b+c। बस यही चीज़ है यहाँ पर ध्यान देने की, और इससे अलावा कुछ भी नहीं है। 5 और 4 9 और 3 12 है, यानी कि ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 12 है। अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी की बात करूँ तो ये क्या आ जाएगा, 6, 2 से 12 कट जाएगा कुछ इस तरीके से कि भैया 2 एकम 2 और 2 6 12, ठीक है। इस ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 6, यानी कि अगर तीनों मिलकर इकट्ठे काम करेंगे तो 6 काम करेंगे, और हमें काम कराना कितना है, 60। सो टाइम टेकन बाय ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 60/6 इज इक्वल टू 10 days, और यही आपका आंसर होगा। अब आप बताइए ये लाइन लिखने की क्या कोई ज़रूरत थी, जब हमें पता चल गया कि ये 6 है, और ये भी लिखने की जरूरत नहीं थी, जब हमें पता चल गया कि 2 से 12 कटेगा तो 6 ही बचेगा। सो हम डायरेक्ट इस 6 से ये 60 डिवाइड करना है, 10 आंसर आ गया आपका, ठीक है। तो देखिए ये चीज़ समझने की कोशिश कीजिए कि मैं अगर लिख रहा हूँ, टाइम ले रहा हूँ तो आपको समझाने के लिए, ठीक है, वरना मुँह जबानी के सवाल है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ए की कार्य करने की क्षमता बी से 3 गुनी है, वे दोनों मिलकर किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। बिल्कुल मुँह जबानी का क्वेश्चन है। ए की कार्य क्षमता 3 है, 3 गुनी है, मतलब 3/1 हो गई, और 4 40 और 1, यानी कि काम आ गया 40 दिन, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं किस तरीके से ये चीज़ कर पाता हूँ आप देखिएगा, मैं डायरेक्ट वही चीज़ लिखता हूँ जो क्वेश्चन में बोली गई है कि भैया ए की जो कार्य क्षमता है वो बी की 3 गुनी है, बी की 3 गुनी यानी कि बी गुना 3। अगर मैं यहाँ से बात करूँ, एफिशिएंसी निकाल लूँ, ए बाय बी कितना आ जाएगा, 3/1, ठीक है। अब ये जो 3/1 आया है ये क्या है, ये है एफिशिएंसी, एफिशिएंसी, ठीक है, इंडिविजुअल्स की, ए और बी की। अब बात कर रहा है कि भाई क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर दोनों मिलकर काम करें तो 10 दिन में काम खत्म कर देते हैं, ठीक है जी। एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 3/1 इज इक्वल टू 4 आ जाएगी। आगे बात समझ में, 3 और 1 4, और यही क्या होता है, एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, और ये होता क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया था, वन डे वर्क, यानी कि ए प्लस बी का 1 दिन का काम 4 है, काम करते हैं 10 दिन और काम खत्म कर देते हैं, इसका मतलब काम कितना किया होगा, 10 day work ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 × 10 = 40, ठीक है। इसका मतलब ये क्या आ गया, टोटल वर्क, ये आ गया जी टोटल वर्क, ठीक है। अगर टोटल वर्क हमारे पास, ये क्या 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 लिख रहा हूं यार मैं भी ना, टोटल वर्क, ठीक है, ये हमारा क्या है, टोटल वर्क, और टोटल वर्क हमें करवाना किससे है, बी से, यानी कि टाइम टेकन बाय बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 40/1, और 1 क्यों, एफिशिएंसी है किसकी, बी की, और टाइम कितना लेगा, 40 दिन, 40 days आप इसे कह सकते हो। और जो ये 1 हमने लिखा है ये मैं बता देता हूँ आपको, एफिशिएंसी ऑफ बी है, ठीक है जी, ये एफिशिएंसी ऑफ बी हमारी होगी। आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, और मैंने मुंह जबानी कैसे कर दिया ये भी आपको समझ में आ गया होगा। मैंने बस डायरेक्ट देखा कि भैया
ए की एफिशिएंसी 3 गुना है, तो ए 3 काम करेगा एक दिन में और बी एक ही करेगा, तभी तो 3 गुना है एफिशिएंसी। और अगर वह 3 गुना हुई तो कैसे काम किया, चार काम करेंगे मिलकर दोनों, और दोनों ने मिलकर 10 दिन में काम खत्म कर दिया, इसका मतलब 40 कर दिया, और हमें 20 से काम कराना है, इसका मतलब 40/1 हमारे पास होगा, आंसर आ जाएगा 40। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। एक कार्य करने की क्षमता बी से 40% अधिक है, यदि बी इस कार्य को 14 दिन में समाप्त कर सकता है तो ए इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। देखिए ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे परसेंटेज में दिया हुआ है, मैं बताता हूँ आपको इसको छोटे तरीके से किस तरीके से लिख सकते हैं। ये ऊपर वाला क्वेश्चन भी इसी तरीके से करना है शॉर्ट में, वो तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था इसीलिए कंप्लीट बड़ा बड़ा लिखा मैंने सारा सब कुछ। मैंने लिखा ए था और बी था, ए की कार्य क्षमता बी से 40% अधिक है, और परसेंट का मतलब क्या होता है, 100 पर कोई भी चीज़ अधिक या कम होना। देखिए बी अगर 100 है तो ए 140 है, तभी तो 40% बड़ा होगा, बस आपके पास रेशियो आ जाएगी। कैसे, इस 0 से ये 0 कट जाएगी, ये 2 5 10 और 2 7 14, इसका मतलब जो एफिशिएंसी की रेशियो आई वो आ गई जी 7/5। ये क्या है, रेशियो ऑफ एफिशिएंसी, रेशियो ऑफ एफिशिएंसी। ठीक है जी, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आप बताइए, क्वेश्चन में बोला गया है कि जो ए है वो काम को 10 दिन में खत्म कर देता है, यही बोला है ना, क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 14, सॉरी बी इस काम को 14 दिन में समाप्त कर देता है, माफी चाहूंगा बी का दिया हुआ है, बी 14 दिन में काम खत्म कर देता है। बी का एक दिन का काम कितना है ये मैं मार्क भी करता हूँ और यहाँ पर लिखता भी हूँ, बी का 1 day work, बी का 1 day work अगर 5 दिन है तो टोटल वर्क कितना आ गया, यहाँ से टोटल वर्क इज इक्वल टू, बी कितने दिन में काम खत्म करता है क्वेश्चन में दिया हुआ है ना 14 days में, ठीक है ना, हाँ 14 days में, 14 × 5, 14 × 5 कितना आ गया 70, ये हमारा टोटल वर्क आ जाएगा। क्यों, क्योंकि बी ने 14 दिन में काम खत्म कर दिया और एक दिन में 5 काम करता था, तो टोटल काम 70 कर दिया होगा। अब ये 70 काम हमें ए से कराना है, कितने दिन में खत्म करेगा, सो टाइम टेकन बाई ए इज इक्वल टू 70/7, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ ए इज इक्वल टू 10 days, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आप यहीं पर डायरेक्ट कर सकते थे, ये लाइन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपको पता चल गया कि भैया 70 इसका टोटल काम है और 70 को हमें 7 से डिवाइड करना है, आंसर आ जाएगा 10। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने। अच्छा एक बात यार ये भी ध्यान दीजिएगा कि ये देखिए, आपको अगर ऐसा लगे कि मैं बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन बता रहा हूँ या आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, मैं आपकी फीडबैक ज़रूर चाहता हूँ इस सेक्शन के रिगार्डिंग, क्योंकि मैं खुद भी फील कर रहा हूँ कि हाँ मैं जल्दी जल्दी बता तो जरूर रहा हूँ, बट हाँ इस तरीके से बता रहा हूँ कि आपके समझ में आए। ठीक है, अगर समझ में नहीं आए तो प्लीज़ एक बार ज़रूर बताइएगा, मेंशन कीजिएगा कमेंट्स में, ओके, और मैं इम्प्रूव करूँगा उस चीज़ को अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होगी तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, ए की काम करने की क्षमता बी से दुगनी है, यदि दोनों मिलकर किसी काम को 9 दिन में समाप्त कर सकते हैं तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ए की कार्य क्षमता बी की दोगुनी है, यानी कि ए की एफिशिएंसी 2 है, बी की एफिशिएंसी 1 है, दोनों की एफिशिएंसी अगर मैं मिला दूं तो 2 + 1 = 3 हो जाएगी, और दोनों मिलकर काम को 9 दिन में समाप्त करते हैं, यानी कि दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं, 9 दिन में कितना कर देंगे 27, और हमें काम कराना है ए से और ए की दुगनी है यानी कि 2 है, सो 27/2 इसका आंसर होगा, 13 × 26 = 1 = 27, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल ठीक आंसर होगा। खुद से कर दीजिएगा एक बार ये क्वेश्चन और ये इसका आंसर भी हमें कमेंट्स में बता दीजिएगा, डू योर सेल्फ। ठीक है, वर्बली तो मैंने आपको बता ही दिया है और आगे देखिएगा आप कैसे कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं एक बार साथ साथ कि क्या बोला गया है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में। देखिए, ए किसी काम का 2/5 6 दिन में, बी उसी काम का 1/3 10 दिन में समाप्त कर सकता है, बताइए दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर लेंगे।
देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैं बताता हूँ आपको कि किस तरीके से आप कर पाएंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। इसके दो तरीके हैं और दो तरीकों में मैं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 है ये, ठीक है। सबसे पहले मैं लिखता हूँ कि भैया ए 2/5 भाग काम करता है 6 दिन में, ए 2/5 भाग काम करता है 6 दिन में। अगर मैं बात करूं कि ये एक दिन में कितना काम, मतलब कंप्लीट काम जो भी होता है वो एक होता है हमारे पास, मानते हो इस बात को? अगर वो एक काम होता है तो एक काम कितने दिन में कर लेगा, आप ये निकाल सकते हो यहाँ से। अगर मैं लिखने लगूं तो मैं कह सकता हूँ कि एक, सॉरी मैंने दिन लिख दिया, एक काम करेगा कितने दिन में, एक काम कितने दिन में करेगा। 5 को मैं इधर ले जाता हूँ, यानी कि 6 × 5/2, 2 × 3 = 6 और 5 × 3 = 15 दिन। मैं कह सकता हूँ कि एक काम करेगा जी 15 दिन में, ठीक है। 2/5 काम करता है 6 दिन में, एक काम करेगा कितने दिन में, 15 दिन में। और सिमिलरली मैं ये कह सकता हूँ कि बी 1/3 भाग काम करता है कितने दिन में, कितने दिन में बोला गया है क्वेश्चन में, 1/3 भाग 10 दिन में जी, काम 10 दिन में करता है। अगर 1/3 काम 10 दिन में करता है तो एक काम कितने दिन में करेगा, एक काम करेगा 10 × 3/1 यानी कि 30 दिन में। अब हमारे पास सवाल क्या बन गया दोस्तों, कि ए एक काम 15 दिन में कर सकता है, बी वही काम 30 दिन में कर सकता है। हमें बताना है दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। ए एक काम 15 दिन में करता है, बी एक काम 30 दिन में करता है। एलसीएम आया 30 15 2 9 30, 30 × 1 = 30। ए प्लस बी की एफिशिएंसी हमें मिली कितनी, 3। हमें बताना है दोनों मिलकर कितने दिन में काम ख़त्म करेंगे, इसका मतलब ए प्लस बी दोनों मिलके 30/3 = 10 दिन में काम ख़त्म कर देंगे। यही आपके सवाल का जवाब है। आपको सिर्फ इतना करना है यहाँ पर, सिर्फ ये काम, ये देखिए ध्यान से कि 2/5 भाग, ठीक है, ये किसी काम अपने आप में एक होता है, एक कंप्लीट काम। अगर 2/5 भाग 6 दिन में कर रहा है तो एक काम करेगा 6 × 5/2, ये समझ में आ गया। सिमिलरली हमने बी का निकाल लिया कि बी कितने दिन में काम खत्म कर देगा, 1 30 दिन में, और एक काम यहाँ हो रहा है, एक ही काम यहाँ हो रहा है, कहने का मतलब सेम काम हो रहा है। अब हमारे पास क्वेश्चन पुराने वाला बन गया क्या, कि ए एक काम 15 दिन में कर सकता है, बी एक काम 30 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। हमने लिया एलसीएम जो किया है 30 2 और 1, हम इनकी एफिशिएंसी आई कितनी, दोनों मिलकर 3 एफिशिएंसी हुई, 3 टोटल वर्क था, 30 कितने दिन में हो जाएगा, 10 दिन में। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा और इससे बेहतरीन तरीका इसका है भी नहीं कोई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ए किसी काम को 40 दिन में कर सकता है, वह काम शुरू करता है और 20 दिन बाद छोड़कर चल देता है, शेष काम बी 14 दिन में समाप्त कर लेता है, तो बताइए बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा, कोई भी टाइप आ सकती है। देखिए इनमें ध्यान से सुनिएगा, मैं कुछ बोलने जा रहा हूँ और वो क्या, देख ए किसी काम को 40 दिन तक में कर सकता है, 40 दिन में ए किसी काम को ख़त्म कर सकता है, लेकिन हुआ क्या कि ए ने 20 दिन काम किया और छोड़ के चला गया, लेकिन जो ए का छोड़ा हुआ काम, यानी कि ए 40 दिन में काम कर सकता है, 20 दिन तक काम किया और छोड़ के चल दिया, इसका मतलब ए का अभी 20 दिन का काम बाकी है। ध्यान दीजिएगा, ए का अभी 20 दिन का काम बाकी है, लेकिन हुआ क्या कि ए ने काम नहीं किया, बी आया और बी ने वही काम 14 दिन में समाप्त कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए का 20 दिन का काम था, जो ए को 20 दिन में काम ख़त्म करना था, बाकी बचा हुआ वही काम बी ने 14 दिन में ख़त्म कर दिया। क्या मैं कह सकता हूँ कि ए का
20 दिन का काम बराबर है बी के 14 दिन के काम के। बस अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो क्वेश्चन हो गया। समझो, ए अपॉन बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 14/20, ये कितना आ गया, 7/10। और यही 7/10 क्या है, एफिशिएंसी। ये आ गई जी एफिशिएंसी, ठीक है। एफिशिएंसी ऑफ इंडिविजुअल यानी कि ए की एफिशिएंसी कितनी, 7, बी की एफिशिएंसी कितनी, 10। इतनी बात समझ में आ गई। अब एक चीज और समझिए कि हम यहां से टोटल वर्क कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन में बोला गया है कि ए एक काम 40 दिन में खत्म कर सकता है। अगर मैं अब लिख रहा हूं कि टोटल वर्क क्या होगा, टोटल वर्क बराबर ए अगर एक काम 40 दिन में खत्म कर सकता है तो ए का एक दिन का काम कितना है, 7। ए का एक दिन का काम कितना है, 7, वही एफिशिएंसी होती है, 1 डे वर्क। अगर ए एक दिन में 7 काम करता है तो 40 दिन में कितना काम कर दिया होगा, 40 × 7 यानी कि 280 काम, ये हमारा टोटल वर्क आ गया, ठीक है। अब हमें पूछा गया है कि बी उस काम को कितने दिन में कर सकता है। सो टाइम टेकन बाय बी इज इक्वल टू 280/10, 10 एफिशिएंसी बी की, आंसर कितना आ गया, 28, यही आपका आंसर होगा। आ गई बात समझ में। आपको इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ ये स्टेटमेंट ध्यान आनी चाहिए और जो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई है, ठीक है। एक बार रिमाइंड कीजिएगा, नहीं समझ में आए तो फिर से देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, वह काम शुरू करता है और 4 दिन बाद काम छोड़ देता है, शेष काम को बी 5 दिन में पूरा कर लेता है, तो बताइए बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा। बिल्कुल प्रीवियस वाला क्वेश्चन है। ए काम कर सकता है 20 दिन में, ख़त्म कर सकता है बिल्कुल, लेकिन वो क्या करता है कि 4 ही दिन काम करता है और काम छोड़ देता है। इसका मतलब अभी ए का 16 दिन का काम बाकी बचा हुआ है, लेकिन ए ने तो काम नहीं किया, बी ने वही काम 5 दिन में ख़त्म कर दिया। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि ए का 16 दिन का काम बराबर है बी के 5 दिन के। इसका मतलब ए गुना 16 बराबर बी गुना 5। यहाँ से ए और बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 5/16। आप ये क्वेश्चन खुद से कीजिएगा, मैं लिख भी देता हूँ, डू योर सेल्फ एंड पुट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स, ठीक है। बताइएगा आप कर पाए या नहीं, मुझे पता चल जाएगा कि हाँ पिछला जो मैंने समझाया आपको बड़ा तसल्ली से, वो आपको कितना समझ में आया है और कितना नहीं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। थोड़ा सा बताऊँ इसको क्या मतलब, ए की ए बाई बी कितना आ गया, 5/16, और ए कितने दिन में कर देता है, 20 दिन में, 20 × 100, और फिर बी से हमें कराना है, इसका मतलब 100/16 बोले तो 25/4, 6×24 और 25/4, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा होपफुली, ठीक है। एक बार कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है, क्या कहता है क्वेश्चन देखिएगा। ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में, बी और सी उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। ए और बी प्रथम 6 व 10 दिन काम करते हैं, ए के काम छोड़ने के तुरंत बाद सी काम में शामिल हो जाता है, यदि सी ने 19 दिन काम किया हो तो बताइए वह पूरे काम को कितने दिन में समाप्त कर सकेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन देखते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है ना वैसे वैसे मैं लिखना शुरू करता हूँ और आप ध्यान से सुनते रहिएगा कि मैं किस टाइम पर क्या चीज़ बोल रहा हूँ और क्या चीज़ समझा रहा हूँ। ए प्लस बी काम करते हैं और बी प्लस सी काम करते हैं। ए प्लस बी काम कर देते हैं 30 दिन में और बी प्लस सी काम कर देते हैं 20 दिन में। एलसीएम लिया, काम हो गया टोटल 60। मैं अगर बात करूँ वन डे वर्क या फिर मैं इसे बोल सकता हूँ एफिशिएंसी, तो 30 × 2 = 60 और 20 × 3 = 60, ठीक है। ये इनकी एफिशिएंसी हो गई। टोटल की बात करूँ तो 5 आ जाएगी एफिशिएंसी, लेकिन शायद टोटल का काम नहीं पड़ेगा। अब बात आती है कि आगे इन्होंने बोला है कि अलग अलग भी भैया बीच में कोई छोड़ के चला गया है तो उस चीज़ को किस तरीके से कर सकते हैं, ये देखिए। मैं एक बार फिर से अपने उसी पैटर्न पर आता हूँ कि मैंने एक लाइन ड्रॉ की कुछ इस तरीके से, ठीक है,
और इस लाइन पर मैंने 3 सेक्शंस डिवाइड कर लिए कुछ इस तरीके से। और फिर हमसे बोला गया है कि जो ए है, पहले एक चीज़ समझिए कि क्वेश्चन में बोला है कि ए और बी प्रथम 6 व 10 दिन काम करते हैं। इसका मतलब जो ए है वो काम छोड़ जाता है 6 दिन बाद। इसका मतलब ए प्लस बी अगर काम शुरू करते हैं दोनों, तो पहले यहाँ पर 6 दिन काम हुआ, ये हुआ जी 6 दिन काम जो कि ए ने किया। अब ए छोड़कर चला गया और तुरंत बाद सी ने ज्वाइन कर लिया। इसका मतलब यहाँ पर बी और सी ने काम किया होगा, और कितने दिन काम किया होगा ये चीज़ बिल्कुल इम्पोर्टेंट है समझने की है। आप क्वेश्चन में देखिए कि बी 10 दिन तक काम करता है, बी ने 6 दिन तो यहाँ पर काम किया, 6 दिन यहाँ पर काम किया, तो आगे बचे हुए 10 दिन पूरे करने हैं इसे, तो 4 दिन यहाँ पर काम करेगा, तो ये हो गए जी 4 दिन। बी ने यहाँ पर 6 दिन काम किया, बी ने यहाँ पर 4 दिन काम किया, बी के टोटल 10 दिन कंप्लीट हो गए, और ए ने सिर्फ 6 दिन काम किया है, क्वेश्चन के हिसाब से ए के 6 दिन यहाँ पर हो गए। अब बारी आती है सी की आगे। अब बी भी चला गया, क्योंकि 10 दिन कंप्लीट हो चुके हैं तो बी भी चला गया। अब सिर्फ सी काम करता है, और कितने दिन बोला है सी, यदि सी ने 19 दिन काम किया, क्वेश्चन में बोला गया है कि सी ने 19 दिन काम किया। अब आप देखिए कि सी ऑलरेडी 4 काम यहाँ पर कर चुका है, 4 दिन सी ऑलरेडी 4 दिन यहाँ पर कर चुका है, तो यहाँ पर कितने दिन और करेगा, 15 डेज काम बस। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो क्वेश्चन हो गया, समझिए अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा है, ट्रस्ट में। देखिएगा, अगर ए प्लस बी 6 दिन काम करते हैं, और ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना है, 1 डे वर्क 2, तो 6 दिन में कितना काम कर लेंगे, 12 काम, 12 वर्क इन्होंने कर लिया होगा, आगे बात समझ में। और बी प्लस सी 4 दिन काम करते हैं, बी प्लस सी का एक दिन का काम 3, 4 दिन का काम गुना 3 यानी कि 12 वर्क। अब आप बताइए ए प्लस बी 12 काम कर चुका है, बी प्लस सी भी 12 काम कर चुका है, रिमेनिंग वर्क कितना रह गया। अगर मैं इनको ऐड करूं, मैंने कहा प्लस मैंने किया, ये हो गया टोटल 24 वर्क, ठीक है। जब तक ए प्लस बी के 6 दिन कंप्लीट हुए और बी प्लस सी के 4 दिन कंप्लीट हुए, तब तक 24 काम हो चुका था, रिमेनिंग वर्क क्या रहा, रिमेनिंग वर्क इज इक्वल टू 60 - 24 इज इक्वल टू 36, ये हमारा रिमेनिंग वर्क है। और रिमेनिंग वर्क किसने किया फिर बाद का, 15 ने, मतलब 15 दिन में काम हो गया, और किसने किया, सी ने काम किया, क्योंकि देखिए यहाँ पर 6 दिन ए करके जा चुका है, 10 दिन बी करके जा चुका है, बचा अकेला सी, इसका मतलब बाकी बचा हुआ 36 काम सी ने ही किया होगा। सो मैं यहाँ से सी की एफिशिएंसी निकाल सकता हूँ, एफिशिएंसी ऑफ सी इज इक्वल टू, या मैं इसे कह सकता हूँ एक चीज़ और, क्या, 1 डे वर्क ऑफ सी, मैं लिखूँगा यहाँ पर ताकि आपको ध्यान रहे, 1 डे वर्क ऑफ सी इज इक्वल टू क्या होगा, ये सेम चीज़ ही होगी, और ये क्या होगी कि भैया 36 काम था और 15 दिन में किया, ठीक है, यानी कि 15 दिन में करता है 36 काम, एक दिन में करेगा 36/15 काम, ये आ गई एफिशिएंसी ऑफ सी। मैं डायरेक्ट यही चीज़ अप्लाई करूँगा, मैं 36 को 15 से काटूँगा नहीं, क्योंकि आपको पता है कि डायरेक्ट पूरा तो कटेगा नहीं और पॉइंट में आंसर आ जाएगा। अब हमसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, ये देखिए कि तो वह पूरे काम को कितने दिन में समाप्त कर लेगा, यानी कि सी पूरे काम को कितने दिन में समाप्त कर लेगा, और पूरा काम यानी कि टोटल वर्क कितना है, 60, सी की एफिशिएंसी 36/15। मैं लिखूंगा यहां पर टाइम टेकन बाय सी टू डू द होल वर्क इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, ठीक है। आपको पता है कि टोटल वर्क कितना है, 60, और एफिशिएंसी कितनी है, 36/15। आप इसे कैसे लिख सकते हैं, 60 × 15/36, यही तो लिख सकते हैं आप। अब आप देखिए काट भी सकते हैं ना,
छः दाएँ 60, छः छिक 36, तीन दूने 6, तीन पंजे 15, दो एकम 2 और दो पंजे 10, पचू पचा 25, आपको मिलेगा 25, और यही आपके सवाल का आंसर होगा। देखिएगा, ठीक है, अब आप खुद सोचिए कि अगर आप यहाँ पे 36 बटे 15 को यहाँ पे कट करते, ऊपर पॉइंट में आंसर आता, यहाँ पे पॉइंट में लेके आते, 60 के बटे में पॉइंट में आता, फिर पॉइंट को जीरो बनाते, कितना होचपोच हो जाता। अब भी तो आपने किया सिंपली, यही चीज़ें ध्यान रखनी है और यही चीज़ें सिखानी भी है हमें आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20th देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में कर सकते हैं, दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, ए काम बीच में ही छोड़ देता है जिससे 9 दिन में पूरा होता है। ये 9 दिन पता है क्यों लग रहे हैं, क्योंकि ए काम बीच में छोड़ रहा है, तो बताइए ए ने कितने दिन काम किया होगा। चलिए मैं आपको सोल्यूशन देता हूँ और समझिएगा, जो छोटी सी चीज़ मैं आपको बताऊँगा वो चीज़ समझिएगा बस, अगर आपने समझ ली तो क्वेश्चन हो गया, समझिए। मैंने ये लिखा है, ये तो मैंने बिल्कुल नॉर्मल वही चीज़ लिखी है जो क्वेश्चन में था कि भैया ए एक काम को 10 दिन में कर देता है, बी उसी काम को 15 दिन में काम कर देता है, काम अगर मैं मान लूँ 30 हो गया उनका LCM, तो एफिशिएंसी क्या हो गई, 10 दिया 30, 15 दूनी 30, यानी कि ये वन डे वर्क आ गया, ए का एक दिन का काम 3, बी का एक दिन का काम 2, दोनों का मिलकर अगर मैं बताऊँ तो काम हो गया 5। अब क्वेश्चन में बोला गया कि भैया दोनों अगर मिलकर काम कर रहे हैं तो काम कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा, आप बताएं, 30/5=6, यानी कि 6 दिन में काम ख़त्म हो जाना चाहिए अगर दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो। लेकिन क्या होता है, ए बीच में काम छोड़ जाता है। अब यही कंडीशन हमें देखनी है, अगर पहले ए प्लस बी काम करना शुरू करते हैं और ए बीच में छोड़ जाता है, बाकी बचा हुआ काम बी करता है, ध्यान से सुनिएगा और समझिए की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अगर ए प्लस बी काम स्टार्ट करते हैं, ए बीच में छोड़ जाता है, फिर काम पूरा 9 दिन में होता है जब ए बीच में छोड़ जाता है तो। लेकिन आप ये देखिए कि बी ने तो यहाँ पर भी काम किया है और बी ने यहाँ पर भी काम किया है, इसका मतलब बी ने तो लगातार 9 दिन तक काम किया है। बी का एक दिन का काम 2 है, तो 9 दिन का काम कितना हो जाएगा, मैं लिखता हूँ, वर्क डन बाय बी इन 9 डेज इज इक्वल टू कितना होगा, 9 × 2 यानी कि 18, क्योंकि बी ने यहाँ पर भी काम किया है, बी ने यहाँ पर भी, इसका मतलब ए के छोड़ जाने के बाद उस केस में जब 9 दिन में काम खत्म हो रहा है तो बी तो 9 दिन के 9 दिन ही काम में लगा रहा ना, तो बी ने कितना काम कर दिया होगा, 9 × 2 = 18, क्योंकि बी का एक दिन का काम 2 है तो 9 दिन का काम 18 हो गया। अब 18 के अलावा जो बाकी बचा हुआ काम है वही तो ए ने किया, रेस्ट वर्क या आप कहें रिमेनिंग वर्क इज इक्वल टू 13 − 18 = 12, और यही 12 काम जो बचा हुआ था वो ए ने किया, और ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3। टाइम टेकन बाय ए टू डू द रेस्ट वर्क इज इक्वल टू 12/3 = 4 days। इसका मतलब दोस्तों, ए ने जो 12 काम था वो अपनी एफिशिएंसी यानी 3 के हिसाब से 4 दिन में ख़त्म कर दिया होगा। ये मैं कह सकता हूँ कि ए और बी ने काम करना शुरू किया, लेकिन ए 4 दिन बाद काम करके छोड़ के चला गया, बाकी बचा हुआ काम बी ने ख़त्म किया। टोटल काम 9 दिन में ख़त्म हुआ, इसका मतलब बी ने अकेले ने 5 दिन काम किया। आप अपने आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं किस तरीके से, देखिए बी ने यहाँ पर कितने दिन काम किया, 5 दिन काम, इसका मतलब 5 × 2 = 10 काम अकेले किया इसने, और ए प्लस बी ने यहाँ पर कितने दिन काम किया, हमारा आंसर आया था 4 दिन, ए प्लस बी ने यहाँ पर 4 दिन काम किया होगा, कितना काम किया होगा, 5 × 20, और आप देखिए कि ये 5 × 20 और बी का 10 दोनों मिलकर 30 काम करते हैं, और यहाँ पर भी मेरे पास 30 ही है, हो गया ना काम कंप्लीट। चलिए आप इस तरीके से वेरीफाई भी कर सकते हैं अपने आंसर्स को। 21st और देख लेते हैं,
ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है तथा बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। दोनों बारी बारी से कार्य करते हैं। यदि ए कार्य करना शुरू करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। अच्छा, ये ऑल्टरनेट का क्वेश्चन आ गया कि ऑल्टरनेट डेज में वर्क कर रहे हैं। चलिए सॉल्यूशन देखिए, मैंने लिखा भी है कुछ जो बेसिक चीज़ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। भैया ए कोई काम 12 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, टोटल वर्क 60 हो जाएगा। एफिशिएंसी, या मैं कहूँ कि पाँच, ए का वन डे वर्क 5 है, बी का वन डे वर्क 4 है। ए प्लस बी अगर दोनों एक दिन का काम बोले तो वो कितना है, 9, दोनों का मिला के। अब बात हो रही है कि बारी बारी शुरू करते हैं, मतलब पहले दिन ए काम करता है तो दूसरे दिन बी काम करता है। अगर मैं कहूँ कि भैया फर्स्ट डे ए ने काम किया, सेकंड डे बी ने काम किया, टोटल काम हो गया 9, मतलब ये मैं लिख सकता हूँ कि भैया 9 काम कितने दिन में, 2 दिन में, दो दिन में। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है जी, क्योंकि ऑल्टरनेट डेज में काम हो रहा है। मुझे काम कितना करवाना है, 60 काम करवाना है। मैं 9 काम यहाँ पर है, मुझे 60 करवाना है। मैं इसके आसपास 60 के आसपास 9 का मल्टीपल देख लेता हूँ, कितना 54 होता है ना, 9 6 54, यानी कि मैं गुना 6 यहाँ पर कर देता हूँ। अगर मैंने यहाँ पर गुना 6 किया तो यहाँ पर भी गुना 6 करना पड़ेगा। 9 6 54 काम हो गया कितने दिन में, 6 दूनी 12 दिन में। आगे इतनी बात समझ में। अब बाकी बचा हुआ काम कितना है, 60 में से 54 गए, बाकी काम बचा 6। अब आप देखिए 6 काम करना है और बारी किसकी आ गई, 5 की, मतलब ए की बारी आ गई, क्योंकि ये 2 दिन के हिसाब से चल रहा है ना, तो 2 दिन में बी तक कंप्लीट हो जाता है। अब बारी आ गई किसकी, इसकी, किसकी, ए की। ए का एक दिन का काम कितना है, 5, हमें बचा हुआ है 6, इसका मतलब अगला एक दिन और लग जाएगा ए का और वो 5 काम हो जाएगा, यानी कि एक दिन ऐड हो गया और काम कितना ऐड हो गया, ए का काम 5 ऐड हो गया, 5 काम। अब हमारे पास टोटल काम हो गया जी 59 और दिन हो गए 13, ठीक है। अब काम एक अभी भी बचा हुआ है, देख रहे हैं, टोटल काम 60 करवाना है, 59 हो चुका है और 13 दिन हो चुके हैं, एक काम करना है। लेकिन बी की एफिशिएंसी कितनी है, 4 की, मतलब एक दिन में 4 काम कर सकता है, तो टाइम, लेकिन काम हमें एक ही करना है तो कितना टाइम लगेगा, 1/4। हम कह सकते हैं कि प्लस 1 काम और टाइम कितना ऐड होगा, 1/4 डे, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक दिन में 4 काम कर सकता है और काम हमें एक ही करना है, इसका मतलब उसको टाइम भी तो 1/4 लग जाएगा ना, ठीक है, काम 1/4 करना है तो टाइम भी 1/4 लग जाएगा, यानी कि 1/4 लग जाएगा। अब यहाँ पर हमारा टोटल 60 काम होगा कितने टाइम में, 13 सही 1/4 दिन में, और यही आपका आंसर होगा। आप देख लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा एक बार, यही आपके सवाल का आंसर होगा। आगे बात समझ में, तो आप ये इस तरीके से कैसे कर सकते हैं, आपको नियरेस्ट मल्टीपल देखना होता है कि सीधा सीधा जो मिल जाए पहले तो उतना कर लो, और ठीक है उसके बाद भैया हमें सिर्फ बचा था 6 काम, यहाँ तक 6 काम में अगला दिन 5 काम कर दिया एक दिन में, तो भैया ये 5 काम यहाँ पर ऐड कर दिया, एक दिन यहाँ पर ऐड कर दिया, 59 काम हो गए, 13 दिन हो गए। अब काम एक करना है और दिन हमारे पास पूरा का पूरा है और एक दिन में 4 काम कर सकता है, आप देखिए, ठीक है, जिसकी एफिशिएंसी एक दिन में 4 काम करने की है, एक ही काम करना है, तो दिन का भी तो 1/4 हिस्सा लगेगा, 1/4 हिस्सा, सो ये 1/4 डे टाइम आ गया, काम एक हो गया। काम यहाँ पर 60 पूरे हो गए, हमें 60 ही करना था, देख लीजिए 60 ही करना था और 60 काम हो गया, टाइम 13 सही 1/4। आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें जो भी मैंने आज आपको समझाई वो समझ में आ गई होंगी, एक एक कंसेप्ट बड़े आराम से मैंने आपको बताया है। अगर फिर भी आपको लग रहा हो कि मैं बहुत स्पीड से चल रहा हूँ या आपको ठीक से समझ नहीं आ रहा है समझाया हुआ कुछ और है, तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, अगर आपको अच्छा लग रहा हो, एफर्ट्स पसंद आ रहे हो, तो उसका भी आप पॉजिटिव एक फीडबैक दे सकते हो कमेंट्स बॉक्स में।
कोई क्वेश्चन रिपीट करना हो तो वो भी हमें बता दीजिएगा, आपको एक बार फिर से समझा दिया जाएगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, न्यू व्यूवर्स सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, चैनल को बेल आइकन ज़रूर क्लिक कीजिएगा। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ ये 21 क्वेश्चन हो चुके हैं, आई थिंक 22 क्वेश्चन और बाकी हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको वो भी मिल जाएगी। एंड सो एन पॉसिबल मैं कोशिश करूँगा कि कल ही वो चीज़ आपको प्रोवाइड करा दी जाए मॉर्निंग तक, ठीक है। और उसके बाद जो भी चैप्टर्स कराएंगे वो सेकेंड पार्ट जो बचे हुए हैं वो कम्प्लीट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, डू वट आर यू वॉन्ट टू डू एंड ट्राई टू बी वट आर यू वॉन्ट टू बी माई लवली फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड नाइट।